इस बार वित्त मंत्री ने बॉलीवुड को दिखाया है ठेंगा। बजट से पहले रखी हुई मांगों में से नहीं हुई है पूरी एक भी मांग। नमस्कार दोस्तों, चैनल PMS मीडिया एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। देश दुनिया बॉलीवुड एंटरटेनमेंट चाहे कोई भी खबर हो, उसे सबसे पहले अपने पास पाने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल, ताकि किसी भी तरह की कोई नई खबर आपसे अछूती ना रहे। इस बार फाइनेंस मिनिस्टर ने बॉलीवुड की झोली खाली छोड़ दी है। बॉलीवुड ने इस बजट से जो उम्मीदें लगा रखी थी, फाइनली उन सभी पे पानी फिर चुका है। सरकार से बॉलीवुड ने करीब 10 मांगे रखी थी, जिनमें GST की दरों में कमी और पायरेसी को रोकने की मांग सबसे प्रमुख थी। पायरेसी और फिल्मों को कॉपी करके या डाउनलोड करके देखने की प्रक्रिया को रोकने के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। इससे लड़ने के लिए जिस तरह की टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है, उस पर लंबा चौड़ा खर्चा आता है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी सरकार ने इस मुद्दे पर कोई गौर नहीं फरमाया है। बॉलीवुड की तरफ से ये मांग थी कि चोरी से फिल्में देख लेने की वजह से लोग थिएटर में आना कम कर देते हैं, जिससे थिएटर मालिकों को नुकसान उठाना पड़ता है। और इसी के साथ मल्टीप्लेक्स की हालत भी धीरे धीरे खस्ता हो रही है। हर हफ्ते कई छोटी फिल्मों के शो तो इसलिए रद्द करने पड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें दर्शक देखने ही नहीं आते। इसके साथ ही बॉलीवुड की तरफ से ये मांग की गई थी कि उन्हें इनकम टैक्स की तरफ से भी कुछ छूट दी जाए, लेकिन इस पर भी गौर नहीं फरमाया गया। इसके साथ ही फैशन डिजाइनर्स ने ये मांग की थी कि खादी के कपड़ों पर से पूरी तरह से टैक्स मुक्ति मिल जाए, ताकि खादी के उपयोग को बढ़ावा मिले। हालांकि टेक्सटाइल उद्योगों को 7,148 करोड़ रुपए का आवंटन बजट में पेश किया है, लेकिन इससे किसी तरह के फैशन डिजाइनरों को फायदा नहीं होगा। इसके साथ ही प्रोड्यूसर्स ने ये भी मांग की थी कि GST को थोड़ा सा कम कर दिया जाए, ताकि फिल्म बनाना सस्ता हो सके और कम टिकट दरों के साथ दर्शकों को थिएटर तक लाने की बॉलीवुड की कोशिश को बल मिल जाए। मगर ये मांग भी सरकार की तरफ से पूरी नहीं की गई। ऐसे में बजट में कुछ भी ना मिलने की कंडीशन में बॉलीवुड की नज़र GST काउंसिल पर टिकी हुई है, ताकि GST कम होने से उन्हें टैक्सेस में थोड़े से बेनिफिट मिल सके और टैक्सेस फाइल करने की प्रोसेस थोड़ी सी आसान हो सके। तो दोस्तों, बजट संबंधी खबरों में अभी बस इतना ही। फिर जल्द ही हाजिर होंगे आपके सामने किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।